नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बदल गया जेईई मेन एग्जाम का पैटर्न, सेक्शन बी में नहीं मिलेगी चॉइस। जेईई मेन परीक्षा में इस साल शामिल होने जा रहे कैंडिडेट्स के लिए अहम सूचना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब पेपर के सेक्शन बी में अब सिर्फ 5 सवाल दिए जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हालांकि इसके पहले पेपर के सेक्शन बी में 10 सवाल दिए जाते थे, जिसमें 5 सवाल हल करने होते थे, लेकिन अब इस विकल्प को बंद कर दिया गया है। एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी है। एजेंसी ने आगे कहा है कि एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि कोविड 19 के दौरान प्रश्नों में मिलने वाले वैकल्पिक फॉर्मेट को अब बंद करने का निर्णय लिया गया है। एग्जाम पैटर्न अपने मूल प्रारूप में वापस आ गया है। इसके तहत सेक्शन बी में प्रति विषय केवल 5 प्रश्न होंगे और उम्मीदवार को सभी प्रश्न के उत्तर देने होंगे। इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कैंडिडेट्स पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी कर सकते हैं। एनडीए ने अपने नोटिस में ये भी कहा है कि इसकी डिटेल में जानकारी जेईई मेन के लिए जारी होने वाले सूचना बुलेटिन पर दी गई है, जिससे कैंडिडेट्स को एग्जाम पैटर्न को समझने और हेल्प मिलेगी। बता दें कि इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। पहले सत्र की परीक्षा जनवरी में और दूसरे सेक्शन के लिए अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। साल 2025 के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा तब अभ्यर्थी निर्धारित फॉर्म में आवेदन पत्र को फिल करेंगे। इसके साथ साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करेंगे। जेईई मेंस रजिस्ट्रेशन के संबंध में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, जिससे उन्हें ताज़ा अपडेट मिल सके। आवेदन करने से पहले सभी शर्तों और नियमों को उम्मीदवार जरूर समझ ले और इसके साथ ही आवेदन करे, क्योंकि गड़बड़ी पकड़ने में आने पर आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ नेशन, आपकी आवाज़।